अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज़ एचडी। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। खिप्रू से ब्यूरो चीफ हसन हंगूरू की रिपोर्ट के मुताबिक खिप्रू कुम्हार मोहल्ले के रहायशियों का सिविल अस्पताल में स्टाफ न होने के खिलाफ मुजाहरा। हम जख्मियों को लेकर अस्पताल पहुंचे मगर अस्पताल का स्टाफ गायब था, एहतजाजी मुजाहरी। तफसील के मुताबिक खिप्रू शहर के कुम्हार बरादरी के अफराद ने सिविल अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके सिविल अस्पताल का मेन गेट बंद कर दिया, जिससे अस्पताल आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एहतजाजी मुजाहरा करने वाले अफराद एमएस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस मौके पर मांदल कुम्हार ने कहा कि हमारे छोटे बच्चे को जख्मी हालत में सिविल अस्पताल इमरजेंसी में लाए, वहां पर सिर्फ एक डॉक्टर दिलीप था, बाकी स्टाफ गायब। डॉक्टर ने कहा कि इसका एक्सरे करवाओ मगर एक्सरे डिपार्टमेंट बंद था, हमने इमरजेंसी में प्राइवेट एक्सरे करवाया। अस्पताल में कोई दर्द की गोली या इंजेक्शन नहीं है, हम जब तक धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक एमएस को हटाया नहीं जाता। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया का मौकफ है कि अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ मौजूद था और इमरजेंसी में एक्सरे टेक्नीशियन को बुलाया था, मगर मरीज के साथ आने वाले शोर मचाने लगे और अस्पताल का गेट बंद कर दिया। हमारे पास सब कुछ दस्तयाब है मगर मरीज के रिश्तेदारों में सब्र नहीं है।